इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं रेडिसन ब्लू, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। नमस्कार रितम में आपका बहुत स्वागत है। आज 22 मार्च है। चलिए आज सुबह की कुछ बड़ी और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में गिरफ्तार। गुरुवार शाम 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 10 बार समन दिया, फिर घर की तलाशी ली। करीब 4 घंटे की तलाशी के बाद ईडी की टीम केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी ने केजरीवाल पर लगाया आरोप का, तलाशी के दौरान पूछताछ में मदद नहीं कर रहे थे सीएम केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। गिरफ्तारी के खिलाफ आपने दायर की याचिका, देर रात सुनवाई करने का किया आग्रह। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बीती रात आम आदमी पार्टी को मिला झटका। देर रात सुनवाई से कोर्ट ने किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ईडी दफ्तर में ही हुआ मेडिकल जांच। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने किया मेडिकल जांच। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का आम आदमी पार्टी करेगी घेराव। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी, कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमारे साथ है, अब मिलकर लोकतंत्र बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आया बयान, कहा केजरीवाल 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में बहाने बना रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नाटकबाजी वे कर रहे थे उसका अंत हो गया है, आज आखिरकार सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही कुमार विश्वास ने कसा तंज। एक्सपर्ट लिखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, यानी विश्व में कर्म प्रधान है, यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा ने किया कटाक्ष, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेताओं की बातें सुनकर आती है चोर मचाए शोर फिल्म किया। सुल्तानपुर के कोर्ट में हड़ताल के कारण मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुनवाई आज पीएमएलए कोर्ट में होगी। बता दें कि 2018 में अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद एएसआई आज करेगा सर्वे। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते ही दिया था एएसआई सर्वे करने का आदेश। भोजशाला के सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। भोजशाला के एएसआई सर्वे के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी। तीसरी लिस्ट में 9 नामों की घोषणा। इससे पहले बीजेपी ने पहली और दूसरी उम्मीदवारों की सूची में 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए थे। वहीं गुरुवार को जारी लिस्ट में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई कोयम्बटूर से, तेलंगाना राज्यपाल रह चुकी तमिल्ला साई चेन्नई दक्षिण से और एल मुरुगन नीलगिरी से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान विवाद में एक दुकानदार की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ अब पुलिस ने FIR दर्ज की। आचार संहिता के उल्लंघन का है आरोप। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। RKDF यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा। गुरुवार को केंद्रीय बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया था। IPL 2024 की शुरुआत के पहले चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी में बड़ा बदलाव। महेंद्र सिंह धोनी के जगह ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया टीम का नया कप्तान। IPL के आगाज से ठीक पहले
सौंपी गई है जिम्मेदारी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नाम पर लगी मुहर। इसके अलावा समिति ने पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की। संभावना है कि राहुल गांधी केरल की अपनी घोषित सीट वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के बिरहामपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा। कांग्रेस ने संसद के 543 संसदीय सीट के लिए अब तक 42 नामों की घोषणा कर चुकी है। सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगलवार को ही लोकपाल ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश। होली त्योहार को लेकर उमड़ने वाले भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। यात्रियों की तादाद को देखते हुए 100 से अधिक ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन परिसर में ही टेंट का इंतजाम किया गया है। कांग्रेस के मोदी सरकार पर बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। कहा, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपने परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। दरअसल उनका दिवालिया आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप वाले बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी दिया बयान। कहा, कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया इसलिए आयकर विभाग ने नोटिस भेजा। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। गठबंधन में पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा होने के बाद अब धीरे धीरे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान होने लगा है। इसी कड़ी में एनडीए के घटक दल हम के खाते में गया लोकसभा सीट आई है, जिस पर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। सपा और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं। पाकिस्तान में नहीं थम रहा आतंकी हमलों का सिलसिला। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बाद पश्चिम उत्तर क्षेत्र में हुआ आत्मघाती हमला। विस्फोटक से लदे वाहन ने सुरक्षा बलों के काफिले को मारी टक्कर। दो लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। इसराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक बार फिर होगी बैठक। बैठक में सीआईए निदेशक बर्न्स कतरी पीए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल थानी और मिस्र की खुफिया मंत्री कामेल होंगे शामिल। कतर में होगा बैठक। रूस ने यूक्रेन के कीव शहर पर बड़े पैमाने पर किया मिसाइल हमला। दर्जन भर से अधिक लोग घायल। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार किए तय। इसकी जल्द ही पार्टी करेगी घोषणा। इन 9 उम्मीदवारों में 2 दलित, 2 मुस्लिम और 5 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं। इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस को यूपी में 17 सीट मिली है। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। परिवार मूल रूप से बिहार के मधुबनी का रहने वाला था। हादसे की वजह गैस सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस रिसाव होना बताया जा रहा है। तो ये थी आज सुबह की कुछ मुख्य खबरें। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।